हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल जनरेटर है और जैसे ही मैं इस शाफ्ट को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे ये लगी हुई एलईडी ग्लो होती है। तो आज के इस हमारे वीडियो का टॉपिक है सिंपल इलेक्ट्रिकल जनरेटर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, सिंपल जनरेटर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें पहली चीज़ है मैग्नेट, दूसरी चीज़ है एक शाफ्ट और तीसरी चीज़ है एक खाली डिब्बा। दोस्तों, यहाँ पे आप स्मॉल बॉटल हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो है कॉपर वायर। यहाँ पर दोस्तों, हमें कॉपर वायर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले हमें मैग्नेट का रोटर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर रोटर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये ब्लैक वाले मैग्नेट इस हिसाब से चिपकाने पड़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों, ये दो मैग्नेट चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही साथ ये जब तैयार होगा तो इसके ऊपर ये स्ट्रांग वाले मैग्नेट भी चिपका दूँगा, जिससे हमें मैक्सिमम मैग्नेटिज्म मिल सके। और दोस्तों, जब ये रोटर पर मैग्नेट अच्छी तरह से चिपक जाएंगे तो मैं इनके ऊपर टैप लगा दूँगा। यहाँ पर टैप लगाने का मेन रीज़न यही है कि जब हमारा जनरेटर हाई स्पीड पे रोटेट होता है तो इसके जो मैग्नेट होते हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनर्शिया फोर्स लगता है और हाई इनर्शिया फोर्स की मदद से कई बार ये रोटर से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनका सेपरेशन रोकने के लिए मैं इनके ऊपर टैप लगा दूँगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रोटर को पूरी टैप से कवर कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारा रोटर बिल्कुल तैयार है। अब दोस्तों, हमको ये जो रोटर है इस डिब्बे में फिट करना है। वो करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको काटना पड़ेगा। पर इसको काटने से पहले मैंने इसमें दो छेद कर दिए हैं सेंटर में दोनों साइड। और अब मैंने यहाँ पे ये जो छेद किया है उसके ठीक ऊपर से इसको काट दूँगा, जिससे हमारा रोटर इसमें फिट हो सके। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने दो बुश भी बना लिए हैं जो कि मैंने बॉल पेन की रिफिल से बनाए हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रोटर को डिब्बे के अंदर फिट कर दिया है और ये बिल्कुल आसानी से रोटेट हो पा रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉपर वायर था उसकी हमें इस पर वाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जब वाइंडिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास एक टर्मिनल होता है और जब मैं पूरी वाइंडिंग कंप्लीट कर लूँगा तो दूसरा टर्मिनल भी मिल जाएगा। और ये दो टर्मिनल है जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कहीं ज़्यादा वाइंडिंग कर दी है और साथ ही साथ मुझे दूसरा टर्मिनल भी एंड में मिल चुका है। अभी दोस्तों, ये जो दो टर्मिनल है उसके साथ मैं एक एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ। और अभी जैसे ही मैं रोटर को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जिसकी मदद से एलईडी ग्लो होती है। अभी यहाँ पर दोस्तों, जैसे हमारा जनरेटर कंटिन्यू रोटेट होगा तो हमें कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। और इसको कंटिन्यू रोटेट करने के लिए मैं इसको फ्लाईव्हील से घुमाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने फ्लाईव्हील के साथ जनरेटर कनेक्ट किया तो अभी एलईडी कंटिन्यू ग्लो हो रही है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू पावर जनरेट होता है। अभी यहाँ पर दोस्तों, मल्टीमीटर की मदद से मैं इस जनरेटर के वोल्टेज मेजरमेंट करके आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं जनरेटर को रोटेट करता हूँ तो इसमें करीब तकरीबन 3 से 4 वोल्ट मिल जाते हैं।
पर जब मैं इसको कंटिन्यू रोटेट करता हूँ तो चलिए देखते हैं कितने वोल्टेज हमको मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं इस जनरेटर को फ्लाई व्हील से कनेक्ट कर रहा हूँ तो हमको तकरीबन 10 से 11 वॉट के आसपास मिल जाता है और मैक्सिमम इसका रीडिंग है वो 12 तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो की मदद से आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर काम कैसे करता है। और जितने भी जनरेटर विंड मिल और पावर प्लांट में यूज़ होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।